जी KF7, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। चैप्टर 5 हमारा कंप्लीट हो गया था। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 5 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, होम असाइनमेंट के तौर पे जो आपको क्वेश्चन दिए थे वो डिस्कस करेंगे और MCQs को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सर, पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन से। जी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, 2 के क्वेश्चन हम कर चुके थे ना। 2 का शायद कोई नहीं था, 1 का एक था, कर लिया था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द ऑर्डिनरी शेयर्स इन अ कंपनी आर डिवाइडेड इनटू 500,000 शेयर्स ऑल ऑफ रुपीस 10 ईच, कैन इट हैव मोर देन वन क्लासेस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स? क्या एक कंपनी ऑर्डिनरी शेयर के अंदर ही एक से ज्यादा क्लासेस हो सकती है उसकी? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन शर्त क्या है? शर्त क्या है के विद इन क्लास, हां बल्कि बी रिक्वायरमेंट में वो बात कर रहा है। कैन इट हैव डिफरेंट राइट्स फॉर डिफरेंट ऑर्डिनरी शेयर? यस बिल्कुल, डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट राइट्स हो सकते हैं, लेकिन विद इन द सेम क्लास सारे शेयर्स के राइट्स सेम होंगे। करेक्ट। क्वेश्चन 3, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हैज गॉट एन ऑथराइज्ड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 500 मिलियन। ऑथराइज शेयर कैपिटल की टोटल अमाउंट क्या है? 500 मिलियन डिवाइडेड इंटू 5 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच। आउट ऑफ टोटल ऑथोराइज कैपिटल ऑफ रुपीज 200 मिलियन इज ऑलरेडी पेड अप, यानी टोटल ऑथोराइज कैपिटल 500 मिलियन, इसमें से 200 मिलियन ऑलरेडी पेड अप हो चुका है, यानी इशूड कितना हुआ? 200 मिलियन रुपीज में 200 मिलियन। ए, कैन कंपनी सब डिवाइडेड शेयर इंटू शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच? क्या कंपनी अपने शेयर को रुपीज 10 में सब डिवाइड कर सकती है? यस कर सकती है, बिल्कुल ठीक है। इसमें ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल का कंसेप्ट है, तो उसमें सब डिवीजन भी शामिल था, सब डिवीजन की ऑप्शन भी थी, कर सकती है। नेक्स्ट, विल शेयर होल्डर्स राइट इंक्रीज और डिक्रीज आफ्टर कन्वर्जन ऑफ शेयर इंटू स्मॉलर अमाउंट? जब कन्वर्ट किए जाते हैं ना, जब सब डिवीजन की जाती है, तो बेसिकली नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स कम हो जाती है, लेकिन जो राइट्स हैं वो सेम रहते हैं, यानी वो उतने ही होंगे प्रोपोर्शनेटली जितने पहले थे। यानी 100, अगर फर्ज कीजिए 100 रुपीज का एक शेयर है, उसको सब डिवाइड कर दिया, 10 रुपए के 10 शेयर कर दिए, क्या अब पहले अगर इस पर्सन के पास 10 वोटिंग राइट्स थे 100 रुपए के एक शेयर के ऊपर, 10 वोटिंग राइट्स, अब 10 10 के 10 शेयर हो गए, इसके वोटिंग राइट्स 100 × 10,000 हो जाएंगे क्या? नहीं, उतने ही रहेंगे जितने पहले थे। यानी पहले अगर एक शेयर के साथ 100 वोटिंग राइट्स थे 100 रुपए के शेयर के साथ फॉर एग्जाम्पल, तो अब उसको सब डिवाइड करके 10 रुपए का किया, तो अब एक शेयर के ऊपर जो राइट्स हैं वो भी 10 हो जाएंगे, ठीक है। यानी इन टोटल राइट्स हर शेयर होल्डर के सेम रहेंगे, 100 ही रहेंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट कह रहा है, बी, कंपनी डिड नॉट रजिस्टर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, हाउएवर इट वांट्स टू रजिस्टर प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 250 मिलियन नाउ, कैन यू डू सो? बिल्कुल। अब देखें, ऑर्डिनरी शेयर को प्रेफरेंस में कन्वर्ट करना या सब डिवाइड करना ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस शेयर में, ये भी तो अल्ट्रेशन की एक एग्जाम्पल थी, याद है लास्ट एग्जाम्पल यही थी, तो ये भी अल्ट्रेशन इन कैपिटल में आता है। बिल्कुल, ये भी अल्ट्रेशन इन कैपिटल में आता है। हाँ, एक चीज अल्ट्रेशन इन कैपिटल में नहीं आती वो, अच्छा मुझे बताइए, एक इसी कंपनी की अगर बात करें, ये कंपनी अपने ऑथोराइज शेयर कैपिटल को 500 मिलियन की बजाय 200 मिलियन अगर करना चाहे तो कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, कैंसल भी कर सकती है, इंक्रीज भी कर सकते, ये कैंसल का कंसेप्ट होगा। अच्छा, लेकिन अगर इसका ऑथोराइज एंड इश्यूड शेयर कैपिटल दोनों 500 मिलियन होते, अगर होते उस सूरत में 200 मिलियन कर सकते? नहीं, वो अल्ट्रेशन नहीं है, वो कैंसलेशन नहीं है, ठीक है। उसे कहते हैं बाय बैक ऑफ शेयर, वो कंपनी नहीं कर सकती, वो सिर्फ लिस्टेड कंपनी को इजाजत है, वो भी कुछ खास सिचुएशन में, ठीक है। क्या 250 मिलियन के नए प्रेफरेंस शेयर? बिल्कुल, अगर मेमोरेंडम में अल्ट्रेशन करवा ली जाए और उसमें भी ऑर्डिनरी शेयर के साथ प्रेफरेंस शेयर को भी रजिस्टर करवा लिया जाए, उसके बाद नए प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है? नहीं, ये कैंसल तो नहीं, ये सब डिवीजन होगी ना। अब जैसे ये केस है, उसने ऑथोराइज्ड 500 मिलियन करवाया, अभी फिलहाल सारे का सारा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, अब वो क्या करना चाहते हैं, इसको तोड़ के दो हिस्से करना चाहते हैं, एक 250 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर और दूसरा 250 मिलियन प्रेफरेंस शेयर। जैसे आपने कंप्यूटर में काम किया है अगर, तो आपको पता होगा कि उसकी हार्ड ड्राइव, अगर एक ड्राइव फॉर एग्जांपल 50 GB की है, तो आप उसके दो हिस्से कर सकते हैं, 25 की अलहदा और 25 की अलहदा ड्राइव बना। एग्जैक्टली उसी तरह यही कंसेप्ट है कि उसके पास 500 GB की ड्राइव थी
उसमें से 250 वो अलहदा करना चाहता है ऑर्डिनरी शेयर्स के लिए और 250 अलहदा प्रेफरेंस शेयर्स के लिए कर सकता है। वैसे इसके पास एक और भी ऑप्शन है, हाँ न्यू करवा ले, 500 ऑर्डिनरी शेयर 500 मिले इसको 500 ही रहने दे, 250 मिलियन ऐड करवा दे, ऐड करवा दे, नहीं वो कंसोलिडेट का कंसेप्ट नहीं, वो इंक्रीज का कंसेप्ट आएगा, इंक्रीज का कंसेप्ट। कंसोलिडेट का तो कंसेप्ट होता है 10 शेयर्स के मिला के एक शेयर बना दे, ये तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज किया जा रहा है जो हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। तो ये 250 मिलियन एग्जिस्टिंग कैपिटल को 500 मिलियन उसमें ऐड भी किया जा सकता है, टोटल फिर 750 बन जाएगा। और दूसरी ऑप्शन क्या है, सब डिवाइड कर रहे हैं इसका, ठीक है, वो बेसिकली सब डिवाइड नहीं कहना चाहिए, सब कहना चाहिए कि डिवाइड कर दिया ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में, क्योंकि सब डिवीजन से वो कंसेप्ट आ जाता है एक शेयर के दो हिस्से कर दिया फेस वैल्यू। ये अल्टरेशन इन मेमोरेंडम है कि अल्टरेशन इन आर्टिकल्स है? ऑथराइज शेयर कैपिटल कहाँ होता है? नहीं एक मिनट, ऑथराइज शेयर कैपिटल कहाँ लिखा होता है? तो ये अल्टरेशन इन मेमोरेंडम है, लेकिन साथ ही साथ ये अल्टरेशन इन आर्टिकल्स भी है। कोई बता सकता है क्यों? इस केस में प्रेफरेंस शेयर्स आ रहे हैं तो उसके राइट्स कहाँ लिखने हैं? राइट्स कहाँ लिखे होते हैं? ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4, डायरेक्टर्स ऑफ शेरवानी लिमिटेड विश टू इंक्रीज द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी फ्रॉम ₹100 मिलियन टू ₹200 मिलियन, इंक्रीज करना चाहते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म देम अबाउट रेलिवेंट प्रोविजंस रिगार्डिंग इंक्रीज इन ऑथोराइज्ड कैपिटल कंटेंड इन कंपनी एक्ट 2017। इंक्रीज के हवाले से बताइए, गाइड कीजिए, इंक्रीज इन कैपिटल के लिहाज से गाइड कीजिए, क्या करना पड़ता है? कंपनी कैन इंक्रीज ऑथोराइज कैपिटल इफ ऑथोराइज बाय आर्टिकल्स, दूसरा पास स्पेशल रेजोल्यूशन, तीसरा स्टेप फाइल करने हैं नोटिस ऑफ अल्टरेशन टू रजिस्ट्रार विद इन 15 days स्पेशल रेजोल्यूशन। क्वेश्चन 5, सेगा लिमिटेड SL ए लिस्टेड कंपनी हैज टू क्लासेस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, दैट इज क्लास ए एंड क्लास बी, दो क्लासेस ऑर्डिनरी शेयर की, इसे में रखिएगा। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स द डायरेक्टर्स इंटेंड टू इशू अ न्यू क्लास ऑफ ऑर्डिनरी शेयर दैट इज क्लास सी विद नो वोटिंग राइट्स। वो कह रहे हैं हमने एक और क्लास एड करनी है क्लास सी, उसके वोटिंग राइट्स नहीं होंगे। अच्छा मुझे बताएं, वोटिंग राइट्स नहीं होंगे, फॉरेन इन्वेस्टर अट्रैक्ट कैसे होगा? ना, ना, ये ऑर्डिनरी शेयर ही की तीसरी क्लास है, ये ऑर्डिनरी, क्या ऑर्डिनरी शेयर्स के वोटिंग राइट्स के बगैर हो सकते हैं? ऑर्डिनरी शेयर हो सकते होंगे या कहीं हमने पढ़े हुए हैं? क्या हमने कहीं पढ़े हुए हैं? डिस्प्रोपोर्शनेट, जहां पे राइट्स लिखे हुए हैं, राइट्स पढ़े जरा, उसमें लिखा हुआ है डिस्प्रोपोर्शनेट और आगे ये भी लिखा हुआ है आर नो राइट्स एट ऑल, होते होंगे कि हैं, हैं, नो वोटिंग राइट्स भी ऑर्डिनरी शेयर के हो सकते हैं, ठीक है। पेज नंबर 86 कह रहे हैं भाई, इस पे पॉइंट नंबर 1, डिफरेंट वोटिंग राइट्स आर नो वोटिंग राइट्स एट ऑल। जनरल रूल ये है कि ऑर्डिनरी शेयर के अगर कुछ भी ना बताए, ऑर्डिनरी शेयर के साथ वोटिंग राइट्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर के साथ वोटिंग राइट्स नहीं होते, ये जनरल रूल है अगर कुछ भी ना बताए, लेकिन ये वोटिंग राइट्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है। हम कुछ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को ज्यादा राइट्स भी दे सकते हैं, कुछ को कम भी दे सकते हैं, और हो सकता है ऑर्डिनरी शेयर्स में ही किसी को बिल्कुल वोटिंग राइट्स ना दिए जाए। असल में दो एक्सेप्शन है, मैं बताना नहीं चाहता आपको, लेकिन सुन के ना, बस इसलिए इसके ऊपर ज्यादा गौर नहीं करना आपने। जनरल रूल क्या है? सुन कान में सुन लो, जनरल रूल है कि ऑर्डिनरी शेयर्स के वोटिंग राइट्स होंगे, लेकिन इसकी एक्सेप्शन भी होती है, कुछ केसेस में ऑर्डिनरी शेयर को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। और जनरल रूल है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट्स नहीं होते, लेकिन कोई एक्सेप्शन है जिसमें उनको भी वोटिंग राइट्स मिल सकते हैं। जैसे छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स हों, वोटिंग राइट्स आए कि नहीं आए?
तो इसीलिए जेन में रखिए, हो सकते हैं, हो सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर, हो सकते हैं डायरेक्टर्स इंटेंट न्यू क्लास। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं था असल में कि ऑर्डिनरी शेयर के वोटिंग राइट्स हो सकते, वो तो लिखा हुआ है कि डिस्प्रोपोर्शनेट भी हो सकते हैं और नो वोटिंग राइट्स एट ऑल भी हो सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इनको क्लास सी को वोटिंग राइट्स दे ही नहीं रहे तो फॉरेन इन्वेस्टर क्या देख के अट्रैक्ट होगा? शायद उसने बताया नहीं, कोई और चीज ज्यादा मिल रही होगी जिसको देख के क्लास ए और क्लास बी के शेयर होल्डर्स तो बहुत खुश होंगे, इनको ज्यादा मिल रही है, कहेंगे हमारे भाई है गोरा है तो क्या हुआ। एस एल मेमोरेंडम एंड आर्टिकल एसोसिएशन डू नॉट कंटेन सच क्लास ऑफ शेयर। फिलहाल मेमोरेंडम और आर्टिकल में ये क्लास ऑफ शेयर नहीं है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2017 ब्रीफली डिस्क्राइब स्टेप्स व्हिच द डायरेक्टर शुड टेक प्रायर टू इश्यूएंस ऑफ क्लास सी शेयर्स। बताइए क्या मेमोरेंडम में अल्टरेशन होगी आर्टिकल्स में? बिल्कुल, तो क्या प्रोसीजर होगा बताइए? इसमें दो चीजें आएंगी असल में, एक होगा अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल और एक होगा वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट्स। इसमें एक नहीं दो कंसेप्ट है, सबसे अहम चीज यही इस क्वेश्चन में। अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल कैसे पता चला? अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल का क्वेश्चन है, ये कैसे पता चला? वो कह रहा है भाई न्यू क्लास शेयर करनी है, इशू करनी है और वो अभी क्लास की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, तो जब तक डिफरेंट क्लासेस काइंड रजिस्टर्ड ना हो मेमोरेंडम उनको इशू नहीं कर सकते, ये तो पता है ना। क्लास बी रजिस्टर ही नहीं करवाई हुई शेयर इशू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसका मतलब मेमोरेंडम और आर्टिकल अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल का कंसेप्ट आएगा। तीन पॉइंट आगे क्वेश्चन में कैसे पता चला? वेरिएशन इन शेयर कैपिटल का भी पॉइंट आए, वेरी शेयर होल्डर्स राइट्स वाला भी कंसेप्ट आए। हाँ जी, वोटिंग राइट्स, जब न्यू क्लास इशू की जाएगी तो एग्जिस्टिंग के वोटिंग राइट्स इफेक्ट होंगे, क्योंकि उनको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ उसने ऑप्शन और दी होगी दूसरों से ज्यादा। भाई ये बात समझ आ गई। इसमें सबसे अहम चीज क्या थी भला? ये जज करना इसमें कंसेप्ट कौन सा इन्वॉल्व है। इसमें अल्टरेशन का भी कंसेप्ट इन्वॉल्व है, वेरिएशन इन शेयर होल्डर राइट का कंसेप्ट भी इन्वॉल्व, ठीक है? राइट्स वेरी करने के स्पेशल रेजोल्यूशन होगी और 3/4 ऑफ एक्टेड क्लास बी अप्रूवल होगी। और फिर उसके बाद क्या होगा? रजिस्ट्रार को कोई नोटिफाई करना है कितने दिन में? ये 15 कह रहे हैं, 30 कह रहे हैं। अल्टरेशन में 15 थी, वेरिएशन में 30 थी, सही कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन 6। हाँ जी, इफेक्टेड क्लास के 3/4 मेजोरिटी से भी रेजोल्यूशन बोला मैंने, ये पैराडाइज लिमिटेड अपॉन पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन ऑन अगस्त 20, 2010 मेड अमेंडमेंट्स इन इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इफेक्टिंग सब्सटेंशियल राइट्स एसोसिएटेड विद क्लास बी शेयर्स ऑफ द कंपनी। Few aggrieved shareholders having objection on the special resolution intend to file an application in the court for the cancellation of the above resolution. कुछ shareholders ने resolution file की है। अच्छा, resolution file किया तो क्या? Discuss the relevant provisions of Companies Act 2017 specifying the following: A. The condition which the aggrieved shareholders will have to comply with to be eligible for filing an application in the court for the cancellation of the above resolution. Shareholder must have 10% shareholding. अच्छा, 10% shareholding individually एक बंदे के पास होनी चाहिए या इन aggregate? 10% of affected class होनी चाहिए, नहीं affected class होनी चाहिए, इससे मैं agree करता हूँ। एक भी हो सकती है। अच्छा, एक के पास 5% शेयर है, एक के पास 6%, दोनों मिलके एप्लीकेशन दे सकते हैं। एक अकेला बंदा उसके पास 12% है, वो एप्लीकेशन दे सकता है। बिल्कुल, कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज। शाबाश, एक क्लियर हो गया। दो कंडीशन से नहीं मिले, दोनों बता दी थी। बी, द मैटर्स विच द कोर्ट वुड कंसिडर वाइल मेकिंग ए डिसीजन ऑन द अबव एप्लीकेशन। पहला दो मैटर है, पहला मटीरियल फैक्ट्स वर विदहेल्ड का मतलब कंसील्ड। आगे ये भी लिखना है, If fact they had known, they would have not approved the resolution. ठीक है, ये वाली लाइन आगे लिखनी। दूसरा पॉइंट कोट क्या है? Unfairly harmful, या harmful का उसने नाम क्या लिखा है? Prejudice. Clear ये question? Next. The directors of Pioneer Shipping Limited have decided to issue class B ordinary share, which would have different rights and would be issued to a group of investors. The existing paid up capital will be classified as class A shares. यानी पहले उन्होंने सिर्फ ordinary share जिसे करवाए थे, कोई class नहीं करवाई थी। अब उन्होंने फैसला किया कि new class के share issue किए जाएंगे ordinary के अंदर ही। Existing वालों को कहा जाएगा class A और new shareholders को class B।
इन द लाइट ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल वेरिएशन इन राइट्स एंड प्रिविलेजेस रूल्स, पता नहीं ये रूल्स क्या होते हैं, हमें उससे गर्स नहीं, हमें रिक्वायरमेंट से गर्स है। क्या रिक्वायरमेंट को आंसर कर सकते हैं कि नहीं? प्लीज एक्सप्लेन द फॉल वैलिडिटी ऑफ डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन रिगार्डिंग द इश्यूएंस ऑफ क्लास बी शेयर्स। क्या पहले बताइए डायरेक्टर्स की रेजोल्यूशन वैलिड है? नहीं, डायरेक्टर की रेजोल्यूशन उस वक्त वैलिड होती है अगर ऑलरेडी क्लास बी रजिस्टर्ड होते हैं। अगर क्लास बी ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है तो डायरेक्टर की रेजोल्यूशन वैलिड नहीं, क्योंकि इस सूरत में क्लास बी के शेयर इशू करने के लिए पहले इन्हें अल्टरेशन करवानी पड़ेगी मेमोरेंडम और आर्टिकल में। क्लियर हुई है बात? सेकंड, द नेचर ऑफ वेरिएशन इन द राइट्स एंड प्रिविलेजेस दैट मे बी अटैच्ड टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर। क्या क्या किस तरह के राइट्स में वेरिएशन होती है? वोटिंग राइट्स में, राइट इशू, बोनस इशू, डिविडेंड, नोटिस टू रिसीव एजीएम, अटेंड एजीएम, बोनस। ठीक ठीक है, क्लियर हो गया। बी, अहमद एंड फराज होल्डिंग 9% एंड 10% शेयर होल्डिंग रिस्पेक्टिवली डू नॉट एग्री विद द इश्यूएंस ऑफ क्लास बी शेयर्स एज इन देयर ओपिनियन दिस वुड एडवर्सली अफेक्ट देयर इंटरेस्ट दो ए मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स आर इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन। In the light of the provisions of Companies Act 2017, advise the course of action which Ahmed and Faraz should take in respect of the above. चूंकि इनके पास 10% से ज्यादा शेयर्स हैं, they can appeal, they can file an appeal with court within 30 days of, सिर्फ 30 days नहीं लिखना, लिखना है within 30 days of passing the resolution for variation in shareholders' rights. Clear seven? चलिए, questions हमारे clear हो गए, अब है हमारे MCQs. कोई नहीं, जुमा क्लास का टाइम भी कम ही है हमारा, इंशाल्लाह ये तसल्ली से एमसीक्यू डिस्कस हो जाएंगे, बेफिक्र है। लेकिन टेस्ट भी बाद में दे सकते हैं आप। सी, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस इन ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, द शेयर कैपिटल रिप्रेजेंट्स कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कंपनी बाय कंपनीज मेंबर्स। गारंटर्स तो नहीं, डायरेक्टर। अच्छा, लेकिन डायरेक्टर भी तो शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, तो उस सूरत में मेंबर्स होते हैं। बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड, इश्यूएंस ऑफ शेयर्स इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑफरिंग शेयर्स बाय द कंपनी, देन पीपल आर प्रमोटर्स पे फॉर शेयर, दिस इज टर्म्ड एज। जब कंपनी ऑफर करती है और लोग अप्लाई करते हैं, जो लोग अप्लाई करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ठीक है, प्रोसेस होता है, स्टेप नंबर वन अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस फ्रॉम कमीशन, स्टेप नंबर टू इश्यूएंस ऑफ प्रोस्पेक्टस, स्टेप नंबर थ्री सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, स्टेप नंबर फोर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। शाबाश शाबाश। लिस्ट, अगर लिस्टेड कंपनी नहीं है तो फिर स्टार्ट में लिस्टिंग स्टेटस पर भी आएगा, फिर अप्रूवल सिर्फ कमीशन से नहीं होगी, फिर होगी अप्रूवल फ्रॉम कमीशन एंड स्टॉक एक्सचेंज। तो इसमें सेकंड में करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई ए। नेक्स्ट, द इश्यूड शेयर कैपिटल इज नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स दैट हैव बीन इश्यूड टू शेयर होल्डर्स। द इश्यूड शेयर कैपिटल मे बी मोर देन अथॉरिटी शेयर कैपिटल, मस्ट बी मोर देन अथॉरिटी शेयर, मे बी लेस देन अथॉरिटी शेयर, मस्ट बी इक्वल टू द अथॉरिटी शेयर, नहीं मे बी लेस, मे बी इक्वल भी हो सकती है, इक्वल होना लाजमी नहीं है, हो सकती है लाजमी नहीं है। ठीक है, इसीलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हुई? सी। फोर, इन पाकिस्तान ऑल कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर आर रिक्वायर्ड टू हैव एन ऑथोराइज शेयर कैपिटल एंड द अमाउंट ऑफ ऑथोराइज शेयर कैपिटल कैन बी इंक्रीज बट ओनली विद द अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर्स। इश्यूड शेयर कैपिटल की अमाउंट डायरेक्टर्स की अप्रूवल से इंक्रीज हो सकती है, यानी डायरेक्टर कोई फर्दर शेयर इशू करना चाहे, इश्यूड शेयर कैपिटल में इंक्रीज करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन अथॉराइज्ड शेयर कैपिटल में इंक्रीज करना चाहे वो कौन कर सकता है फिर? ओनली विद द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। अच्छा, लिखा हुआ ओनली विद द अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार और ओनली विद द अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर्स। यहां पे मुझे थोड़ा सा एतराज है, क्योंकि शेयर होल्डर्स की भी अप्रूवल होती है और रजिस्ट्रार की भी एक तरह से होती है, क्योंकि उसने एंट्री करनी होती है। ठीक है, तो यहां पे अगर एक तीसरी ऑप्शन होती ना विद द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर एंड रजिस्ट्रार, तो वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होती। लेकिन एग्जिस्टिंग ऑप्शन में बताइए मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सी? शेयर होल्डर्स, बी ऑप्शन। क्लियर जी?
जैसे आप हम पहले भी पढ़ रहे थे आपने कहा कि क्रेडिटर्स भी एज इन्वेस्टर्स भी हमको कहते हैं, क्रेडिटर्स भी इन्वेस्टर्स होते हैं बिल्कुल, मैं अभी भी कहता हूँ क्रेडिटर भी इन्वेस्टर, सिर्फ वो नहीं उनकी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ठीक है, शेयर कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए उनकी क्रेडिटर्स की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, क्रेडिटर इन्वेस्टर्स होते हैं ये मैं बात अभी भी मानता हूँ, ठीक है, लेकिन वो शेयर होल्डर नहीं होते हैं और उनकी अप्रूवल की भी जरूरत नहीं है शेयर कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए। फाइव, व्हेन द शेयर आर इशूड द शेयर होल्डर मस्ट गिव देयर कंसेंट इन राइटिंग फॉर्म रिटन फॉर्म अपॉइंट 2% एज देयर प्रॉक्सी। प्रॉक्सी क्या होता है? जो शेयर होल्डर्स की जगह पे कोई दूसरा बंदा मीटिंग को अटेंड करे उसे प्रॉक्सी कहते हैं। पे फॉर द शेयर इन फुल, अप्लाई फॉर स्पेशल प्रिविलेजेस, नहीं, पे फॉर द शेयर इन, क्योंकि अब जितने भी शेयर इशू होते हैं सारे के सारे फुली पेड। शाबाश, तो करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? सी। नेक्स्ट, सिक्स, इफ द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन विद अनपेड डेट्स द शेयर होल्डर्स विल be liable personally to contribute in the will not be required to contribute। yes, sir. अच्छा, लेकिन personally liable हो भी तो सकते हैं अगर unpaid हो तो। नहीं बताया तो उसका मतलब fully paid है, तो इसीलिए हम कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? बी, बी लाइबल टू कंट्रीब्यूट 50% ऑफ द अनपेड डेट्स, नहीं, करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई बी, सिक्स में बी ऑप्शन करेक्ट। सेवन, ऑर्डिनरी शेयर्स आर आल्सो कॉल्ड, ओ भाई इधर पढ़ लो, इधर क्या पढ़, कुछ नहीं है, छोटा 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 लिखा वो पढ़ने जरूरी है, ये नहीं पढ़ना। अच्छा, ऑर्डिनरी शेयर आर आल्सो कॉल्ड इक्विटी शेयर, शाबाश, बोनस शेयर तो नहीं, फाउंडर शेयर भी नहीं, डेफर, ये फाउंडर शेयर डेफर शेयर पता नहीं क्या है, ये कुछ कभी सुने भी नहीं हमने, बोनस शेयर सुने हुए तो इक्विटी। अच्छा, जो नहीं कभी पढ़ा वो ठीक लग रहा था आपको, इक्विटी सिलेबस में नहीं है। सेवन का करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? ए। नेक्स्ट, द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू वोट एट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, नॉर्मली ऑल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैव वन वोट पर, नॉर्मली इसमें वेरिएशन हो सकती है, हो सकता है किसी के दो, किसी के पांच, किसी के दस, नॉर्मली वन वोट पर शेयर, सी ऑप्शन करेक्ट। नाइन, ए प्रेफरेंस शेयर नॉर्मली कैरीज एज प्रायर राइट, यानी प्रायर राइट को बता रहा है इसका मतलब क्या होता है, हेड ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, टू रिसीव ए सैलरी विच इज नॉर्मली फिक्स्ड अमाउंट, रिसीव ए रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन इवेंट ऑफ फाइंडिंग अप, यस, वोट इन द जनरल मीटिंग, नो, नन ऑफ द अबव, तो करेक्ट ऑप्शन बी। टेन, व्हाट टाइप ऑफ रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड टू अल्टर द कैपिटल क्लास ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ 30 डेज नोटिस का मतलब क्या, कि स्पेशल रेजोल्यूशन से 30 दिन पहले नोटिस भेजा जाए तो वो वाली स्पेशल रेजोल्यूशन, नहीं, सिंपल स्पेशल रेजोल्यूशन, 30 दिन या 14 डेज 30 डेज वाली कोई स्पेशल रेजोल्यूशन का कंसेप्ट नहीं अलाउ में, लॉ क्या कहता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने जिसका 21 दिन पहले नोटिस दिया गया हो, याद है स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन में 21 डेज आते हैं कि नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, आफ्टर द अल्टरेशन इन कैपिटल क्लास ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए का मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल द रेजोल्यूशन एंड द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज, 30 डेज तो नहीं है, 30 डेज किस केस में है, कोर्ट के लिए, और वेरिएशन इन राइट्स का नोटिस रजिस्ट्रार को फाइल करने के लिए, कैपिटल क्लास के लिए 15 दिन, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई, बी, सॉरी ए ए ए ए 15 डेज। 12, इफ द वेरिएशन इफेक्ट्स द सब्सटेंटिव राइट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर इट शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन कैरीड आउट अनलेस 2/3 मेजोरिटी ऑफ दैट 3/4 majority of that particular class agree to the alteration, C option correct। 13, any member or members of the affected class representing at least 10% shareholding of that class may apply for an order against the resolution varying their rights, sahi kar raha hai ki nahi, they will apply to within 30 aur do cheeze prove karenge। 14, इन केस ऑफ वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ मेंबर 10% आर मोर ऑफ द क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स हु आर एग्रीव्ड बाय द वेरिएशन ऑफ देयर राइट्स मे अप्लाई टू द कोर्ट फॉर एन ऑर्डर कैंसलिंग द वेरिएशन विद इन 30 डेज, सी ऑप्शन करेक्ट। 15, इन केस ऑफ वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ मेंबर्स द कोर्ट मे गिव इट्स डिसीजन इन फेवर ऑफ आर अगेंस्ट द स्पेशल रेजोल्यूशन बाय द कंपनी, The company is required to forward a copy of the court decision to the registrar within
विद इन 15 डेज या 30 डेज, पक्की बात है? चलिए 15-15 दिन में ऑर्डर फाइल करना है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लें। चलिए चलिए, ये आ चले, आज आपकी याशी का देना। चैप्टर कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।